इस बात के पीछे कोई लॉजिक है क्या चट्टोपाध्याय साहब? इस बात के पीछे कोई लॉजिक है क्या? आप कह रहे हैं मोदी और दीदी का गठजोड़ है, मतलब जो ममता बनर्जी, चट्टोपाध्याय साहब, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बीजेपी के लिए रुकावट बनी हुई है, सबसे कड़ी टक्कर दे रही है, आप कह रहे हैं मोदी और दीदी की सांठगांठ है, इसका कोई लॉजिक है क्या? ये आपस का मामला है, ये आपस का मामला है। कैसे? आप बटरा करके, आप केजरीवाल को देखो कहाँ पर है, और ये जो झारखंड का सोरेन साहब कहाँ पर है, लेकिन बंगाल का क्या हो रहा है अब देखो ना। अब तो जर्नलिस्ट है ना, एनालिसिस तो आपको भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो पूछा मैंने आपसे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। हमने तो देखा टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। बंगाल का पीपल, ये बीजेपी का जो हिंदू और मुस्लिम, ये जो इसको नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लोली दे आर डेवलपिंग थ्रू द हैंडल ऑफ टीएमसी। अल्टीमेट रियलिटी इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इंडिया गठबंधन दिखावा है, असली गठजोड़ जो है वो टीएमसी और बीजेपी का चल रहा है पश्चिम बंगाल। देखिए बॉन्ड पर, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, कहाँ पर मिलेगा इतना रुपया, क्यों मिलेगा, जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित। दुर्भाग्य, अभी इन्होंने क्या कहा, अभी ये मंच पे बैठे थे, इनके नेता क्या कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी जब गिरफ्तार हुए इनके नेता क्या कर रहे थे, अरे भैया जो तानाशाह ईडी और सीबीआई को डर दिखाया जा रहा है, वो डर क्या है? आज 12 तारीख को तापस राय बोल के एक नेता है, उनके आईडी की रेड होती है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है पश्चिम बंगाल में। 42 में सुनिए चुप रहिए, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। सीपीएम से जो गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी का 2019 में, आगे राम पौरे बाम, तो सीपीएम शून्य पे हो गया, ये नारा तो वामपंथियों ने दिया था, आगे राम पौरे बाम, ये नारा देने वाले आप लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बढ़ावा देने वाले वामपंथी लोग हैं, वामपंथी लोग और अधीर रंजन चौधरी बीटी बनकर के भारतीय जनता पार्टी की काम करते हैं पश्चिम बंगाल में, और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी टीवी चैनल में बैठ करके, अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन का विरोध ये करते हैं, और ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जेल में भेज दिया जाए, ये कैसी बात करते हैं? बहुत सारे करप्ट नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप लोगों में सांठगांठ है, यही उन्होंने कहा। अनुव्रत मंडल जेल में नहीं है, पार्थो चटर्जी जेल में नहीं है, क्या बात करते हैं? इतने नेता हमारे जेल में हैं, और जो करप्ट लोग हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मगर एक मिनट रुकिए, अरे गांव तो आपका माता है, वो माता को बेच दे रहे हैं। अरे आपने सुनो एक तो धैर्य रखून चट्टोपाध्याय बाबू, धैर्य रखून एक तो सुनून आमार कथाटा। देखो जो तो दो नम्बरी लोग आछे तारा बीजेपी ते गए भालो हो जाच्छे, वाशिंग मशीन बीजेपी। आज जितने हिंदुस्तान के अंदर में गंगा मैली हो गई है पापियों के पाप धोते धोते, ये भारतीय जनता पार्टी की गंगा, अरे ये तो पूरा का पूरा नाला समा गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। जितने करप्ट लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, पूरे देश में हर राज्य। आदित्य अग्रवाल जी, जल्दी से, बहुत सारे आरोप लग गए और सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बीजेपी की वॉशिंग मशीन की हो रही है, इसमें धुलकर हर कोई बात साफ हो जाता है। और ये जितनी जांच होगी, अब एक मिनट सुनिए पुरोहित जी, बहुत वक्त कम बचा है, माधवी को जवाब देने दीजिए, इतने सारे सवाल आपने उठाए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये लोग जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों का, जैसे प्रधानमंत्री को कई बार ममता बनर्जी कह चुकी है कि बाहरी है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कीर्ति आजाद हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे यूसुफ पठान हो, ये लोगों ने बाहर से लाकर कैंडिडेट को यहाँ पश्चिम बंगाल में रखा है। तो पश्चिम बंगाल में अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कमी है कैंडिडेट, अरे आप शुभेंदु अधिकारी के चरण पर बोल रहे हैं, तो जब ठीक है, माधवी जी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं साफ तौर पर, समीर, यहाँ पर जारी है, और ये सब तब हो रहा है जब आज दो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में हुंकार भरने वाले, एक तरफ ममता बनर्जी की रैली होगी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, और मुझे नहीं लगता है कि इस दौरान जब बयान दिए जाएंगे तो एक दूसरे पर कोई भी रहम किया जाएगा।